हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत। बड़ी खबर आ रही है आपको, झारखंड JPSC का बहाली है जो कि फाइनली है, जो कि निकल गया है। और ये आप देख सकते हैं 2023 के झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के माध्यम से उप समाहर्ता डिप्टी कलेक्टर के बहुत ज़्यादा पद हैं, 207 पद अनारक्षित के, जो कि आपको 88 पद हैं। तो बड़ी मात्रा में जो कि वैकेंसी आई है। डिप्टी मतलब पुलिस उपाधीक्षक DSP की 35 पद है जो कि टोटल आई है। राज्य कर पदाधिकारी के 56 पद आई है। काराधीक्षक के जो कि 2 पद है जो कि आया है। झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 के 10 पद आया है। जिला समादेष्टा का है जो कि 1 पद आया है। सहायक निबंधक का है जो कि 8 पद, श्रम अधीक्षक का 14, प्रोबेशन पदाधिकारी के 6 और निरीक्षक उत्पाद के 342 पद। तो यूँ भी बहुत अच्छे अच्छे पद, ऐसा नहीं कि ये सब खराब है। पहले तो आपको सबसे ज़्यादा जो है डिप्टी कलेक्टर का ही है जो कि पद है जो कि है, और सब में जो कि, और इसको बिहार ये झारखंड के बाहर भी भर सकते। वेतनमान आप देख सकते हैं सभी जो है वो लगभग जो कि 8 पद जो है, श्रम अधीक्षक, सहायक निबंधक, जिला समादेष्टा, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी, काराधीक्षक, राज्य कर पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, उप समाहर्ता, ये सब लेवल 9 के हैं। लेवल 9 में से प्रोबेशन अधिकारी का 4800, निरीक्षक उत्पाद का 4200 ग्रेड पे सिर्फ है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो किसी भी है जो कि डिग्री कहीं से भी आपको मान्यता प्राप्त सिर्फ होना चाहिए। उम्र गणना है जो कि अधिकतम उम्र सीमा के लिए ही लड़ाई चल रही थी, और ये 2017 से दिया गया है, 1/8/2017 से। तो मतलब जिनकी 1/8/2017 में 35 वर्ष उम्र होगी वो भर सकते हैं, और न्यूनतम उम्र की गणना तिथि 1/8/2024 है। तो अधिकतम आयु सीमा वाले क्या करें, 1/8/2017 से माने। और भी उम्र सीमा में है जो कि 35 वर्ष जनरल का है, मिनिमम एज 21 वर्ष है, और ये छूट के लिए ही सबसे ज़्यादा है। EBC के लिए है जो झारखंड 37 वर्ष, फीमेल के लिए 38 वर्ष, शेड्यूल के लिए 40 वर्ष। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड के निवासी को मिलेगा। और ये जो है पुलिस उपाधीक्षक, जिला समन्वयता, काराधीक्षक, प्रोबेशन के लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई होना चाहिए। SC ST हैं तो 162 सेंटीमीटर, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग महिला हैं तो 155, SC ST के महिला हैं तो 152, सीना है जो कि 81, ये सब कंडीशन है जो कि इसमें रहेगा। और जो कि 2 सक्सेसिव स्टेज रहेगा, प्रीलिम्स और मेंस रहेगा। एग्जामिनेशन का जो रहेगा रिटेन, पहला में रहेगा सिर्फ प्री और दूसरा में मेंस और इंटरव्यू रहेगा। प्रीलिम्स में वही रहेगा जो पुराना है, उसमें चेंजिंग नहीं किया गया। 2 घंटे का समय रहेगा, और पहले में GK रहेगा, दूसरे में झारखंड स्पेशल, फर्स्ट में जो कि जनरल स्टडी, दूसरा में जनरल स्टडी 2 रहेगा। और वही है जो कि अमेंडमेंट कुछ किया गया क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, सिर्फ मेंस में जो कि वही 6 पेपर रहेंगे डिटेल, और 6 पेपर है जो कि फिक्स रहेंगे कि वही रहेंगे, कोई चूज नहीं करना है इसमें। पुराना जो मेंस था वो उसी के तरह रहेगा, और ये क्वालिफाइंग मार्क्स में जो कि थोड़ा चेंजिंग किया गया है। सर्विस से लोकेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है जो कि 400 मार्क्स का होगा, जैसे आपको बताया था 200 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा दोनों में। और पहले में जो कि आपको करेंट अफेयर, GK, रीजनिंग में झारखंड का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। सेकंड में है जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 में रहेगा, 200 मार्क्स सारा दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन, ये सब क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा वो सारा है जो कि इंटरनेशनल। 2 में जो है आपको जनरल क्वेश्चन मिल, 2 का मैंने सिर्फ झारखंड का रहता है, झारखंड का इतिहास, झारखंड आंदोलन, झारखंड की विशिष्टता, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, झारखंडी और साहित्यकार, झारखंड के प्रमुख शिक्षक, और सिर्फ है जो कि झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर ये भी देखते, जनरल हिंदी 100 मार्क्स का है जो कि रहेगा, इस पर विवाद भी चला था। फिर पेपर 2 में जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप्स ऑफ रिटेन होगा, और ये 950 मार्क्स रहेंगे, ये क्लियर कर दिया गया है। तीसरा में सोशल साइंस रहेगा, चौथा में पेपर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, पाँचवा में जो कि इंडियन इकोनॉमी रहेगा, छठा में जो कि जनरल, तो टोटल है जो कि 950, और इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा, 1050 मार्क्स का जो कि ग्रैंड टोटल रहेगा। और ये जो है आपको फाइनली है जो कि ये वैकेंसी है जो कि परीक्षा शुल्क है जो कि आपको 100 रुपया है जो कि EWS के लिए है।
अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर के लिए सबके लिए 100 रुपया है, कम है, और नहीं तो फिर छूट के साथ 50 रुपया है। तो ये है जो कि 10 बजे तक है जो कि ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि दिया है, फोटोग्राफ ये सब के बारे में। अंतिम कब से शुरू होगा? 1 फरवरी से शुरू होगा, 24 से 29 फरवरी 2024 तक रहेगा। 1 मार्च तक है जो कि परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। तो ये फॉर्म है जो कि निकल गया है, और प्री के लिए कम से कम अभी जो तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, झारखंड पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसकी परीक्षा कब तक होगी। तो उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो कि इसकी प्री एग्जाम्स, उसके भी अभी तो फॉर्म ही भराएगी मार्च तक। तो निश्चित रूप से आपको 3-4 महीने का है जो कि समय मिल जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।